हिंदी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अक्सर बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। अच्छा, पहले क्या होता था कि हिंदी भाषा का जो पैटर्न था वो बहुत सिंपल था। कुछ टैग वर्ड्स देख लिया, कुछ हमने पुराने प्रश्न उठा लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लिया। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको हिंदी शिक्षा शास्त्र के लिए भी पूरे कॉन्सेप्ट की नॉलेज होने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स का नॉलेज होना है ज़रूरी है। अब आपके यहाँ पर बहुभाषिक कक्षा के बारे में भी पूछा जाता है, समावेशी कक्षा के बारे में भी पूछा जाता है। आपको यहाँ पर वाचन, जितने भी भाषा कौशल है उनसे भी संबंधित आपके प्रश्न तो आते ही हैं हमेशा की तरह, पर इसके साथ साथ आपको मातृभाषा का कॉन्सेप्ट, NCERT का कॉन्सेप्ट, NCF का कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर ईवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिस्टमैटिक अप्रोच के अंतर्गत आपसे पूछी जाती हैं। अब आपको सिर्फ टैग वर्ड से नहीं काम चलेगा, अब आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो हिंदी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे पक्ष हैं, जैसे पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए, पढ़ाते समय शिक्षक कौन कौन सी विधियाँ या कौन कौन से अप्रोच का इस्तेमाल करेगा, या पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री TLM का प्रयोग करेगा, या इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पढ़ाने के दौरान शिक्षक किन गतिविधियों का, किन उपागम का प्रयोग करे जिससे कि शिक्षण सुचारू रूप से और सरल और आसान बनाया जा सके। बच्चों के अंदर तत्परता, मोटिवेशन या फिर बच्चों को अभ्यास कैसे कराया जाए, प्रश्न पुस्तिका या कक्षा शिक्षण के अंतर्गत कैसे उदाहरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए, या पढ़ाने के दौरान शिक्षक किन पद्धतियों और तकनीकों का इस्तेमाल करे, या आपके पढ़ाने की तकनीक पद्धति के साथ साथ बच्चों के साथ कनेक्टिविटी या उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे कराएं। इसके साथ साथ आपको पियाजे, वाइगोत्स्की, कॉलबर्ग, जॉन डीवी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और नॉम चॉमस्की के बारे में भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इसके साथ साथ आपको NCF के अंतर्गत हिंदी के लिए क्या क्या बात कही गई है उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो ये तो मैं छोटे मोटे टॉपिक्स आपको बता रही हूँ, बट हिंदी शिक्षा शास्त्र एक बहुत बड़ा रूप है, क्योंकि एक लैंग्वेज की डिस्कस कर रहे हो और इसके अंतर्गत आपको गद्यांश और पद्यांश भी पढ़ना है और व्याकरण भी पढ़ना है। पहले जैसा होता था कि ज़्यादातर गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे, बट इस बार व्याकरण में भी आपको 3-4 टॉपिक जो है नए देखने को मिलेंगे। जैसे इस बार एक पद परिचय का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है ना, तो पद परिचय का कॉन्सेप्ट नया जुड़ा है। इसमें आप देखेंगे तो शब्द युग्म पहले नहीं पूछा जाता था, आप शब्द युग्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले वर्तनी नहीं पूछी जाती थी, वाक्य शुद्धि पूछी नहीं जाती थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि व्याकरण के पैटर्न में भी परिवर्तन हुआ है और शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पूछने के तरीकों में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के आपको पढ़ने के दौरान हिंदी जब पढ़नी है तो हिंदी के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप लोगों को समय समय पर मैं डेली 1 बजे KD Live टीचिंग चैनल पर आकर आपको पूरे क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ, तो आप उस पर भी जुड़ना ना भूलें, प्रतिदिन 1 बजे KD Live टीचिंग चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ, प्लस आपको मॉक टेस्ट भी करवा रही हूँ। उसमें मैं आपको जो भी आने वाले भावी प्रश्न हैं, जो आपके आने वाली परीक्षा में आने के चांसेस हैं, वो भी मैं आपको करवा रही हूँ। और बहुत जल्दी मैं आपको एक कंप्लीट मैराथन भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको हिंदी का निचोड़ आपको पढ़ाऊंगी। तो एक आपको ग्रामर का मैराथन और एक आपको शिक्षा शास्त्र का मैराथन, दोनों आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है तैयार करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको एक आइडिया बन जाता है, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कैसे प्रश्न आएंगे और आ सकते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो अब दीपिका मैम, मैं अलविदा लेती हूँ और फिर आपके साथ आऊँगी एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।